दोस्तों आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल द अनेस्ट में। तो आज हम अपनी इस वीडियो में पंजाब 2024 जनरल इलेक्शंस के बारे में बात करेंगे। हम ये जानेंगे कि सभी सीट्स पे कौन कौन विनर थे। तो दोस्तों जैसा कि हम सब जानते हैं, पंजाब में टोटल लोकसभा सीट्स हैं 13 और पंजाब का जो टोटल वोटिंग टर्नआउट रहा था वो था 62.80%। और जो सीट्स थी 13, इनमें से इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जीती थी 7 सीट्स, आम आदमी पार्टी ने जीती थी 3 सीट्स और इंडिपेंडेंट्स के खाते में गई थी 2 सीट्स और 1 सीट श्रीमोनी अकाली दल ने जीती थी। तो चलिए अब हम सीट वाइज देखते हैं। सबसे पहले गुरदासपुर सीट, तो गुरदासपुर सीट के विनर थे सुखजिंदर सिंह रंधावा जी, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस से थे। इनको टोटल वोट्स पड़े थे 3,64,043, जो कि 33.78% बनते हैं। टोटल टर्नआउट रहा था इस सीट पे 66.67% और ये जीते थे 82,861 वोट्स के मार्जिन से। तो सेकंड लोकसभा सीट है अमृतसर, तो अमृतसर के विनर रहे थे गुरजीत सिंह ओजला जी, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस से थे। इनको टोटल वोट्स पोल हुए थे 2,55,181, जो कि 28.18% था ऑफ द टोटल वोट्स पोल्ड इन द लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी। और इस सीट पर टोटल टर्नआउट रहा था 56.06% और मार्जिन था 40,301 वोट्स। तो नेक्स्ट लोकसभा सीट है खडूर साहिब, खडूर साहिब के विनर थे अमृतपाल सिंह जी, जो कि इंडिपेंडेंट जीते थे और इनके टोटल वोट्स थे 4,04,430, जो कि 38.62% बनते हैं। टोटल टर्नआउट रहा था 62.55% और इनका विनिंग मार्जिन था 1,97,120 वोट्स। और नेक्स्ट लोकसभा सीट है जलंधर, तो जलंधर के विनर थे चरणजीत सिंह चन्नी जी, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस से थे। इनको टोटल वोट्स पड़े थे 3,90,053, जो कि 39.43% थे ऑफ द टोटल वोट्स पोल्ड इन द कॉन्स्टिट्यूएंसी। और टोटल टर्नआउट रहा था इस कॉन्स्टिट्यूएंसी पे 59.70% और इनका विनिंग मार्जिन था 1,75,993 वोट्स। और नेक्स्ट लोकसभा सीट है होशियारपुर, जिसके विनर थे राजकुमार चबेवाल, जो कि आम आदमी पार्टी से थे और इनके टोटल वोट्स थे 3,03,859, जो कि 32.04% था। और टोटल टर्नआउट रहा था इस सीट पे 58.86% और इस सीट पे विनिंग मार्जिन रहा था 44,111 वोट्स। और नेक्स्ट लोकसभा सीट है आनंदपुर साहिब, तो आनंदपुर साहिब के विनर थे मलविंदर सिंह कैंग जी, जो कि आम आदमी पार्टी से थे। इनके टोटल वोट्स थे 3,13,217, जो कि 29.08% थे। टोटल टर्नआउट रहा था 61.98% और विनिंग मार्जिन था 10,846 वोट्स। तो नेक्स्ट सीट है लुधियाना, तो लुधियाना के विनर थे अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग, तो इनकी पॉलिटिकल पार्टी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस। टोटल वोट्स पड़े थे इनको 3,22,224, जो कि 30.42% है। टोटल टर्नआउट रहा था 60.12% और मार्जिन था 20,942 वोट्स। नेक्स्ट सीट है फतेहगढ़ साहिब, तो फतेहगढ़ साहिब के विनर थे अमर सिंह, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस से थे। टोटल वोट्स पड़े थे 3,32,591, जो कि 34.14% है। टोटल टर्नआउट था 62.53% और विनिंग मार्जिन था 34,202 वोट्स। और नेक्स्ट लोकसभा सीट है फरीदकोट, तो फरीदकोट के विनर थे सरबजीत सिंह खालसा जी, जो कि इंडिपेंडेंट थे। टोटल वोट्स पड़े थे 2,98,062, जो कि 29.38% थे। टोटल टर्नआउट रहा था 63.34% और मार्जिन था 70,053 वोट्स। तो नेक्स्ट लोकसभा सीट है फिरोजपुर, फिरोजपुर के विनर थे शेर सिंह घुबाया, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस से थे। इनके टोटल वोट्स थे 2,66,626, जो कि 23.70% है। टोटल टर्नआउट था 67.02% और विनिंग मार्जिन था 3,242 वोट्स। तो नेक्स्ट लोकसभा सीट है बठिंडा, तो बठिंडा के विनर थे हरसिमरत कौर बादल जी, जो कि श्रीमोनी अकाली दल से थी। इनके टोटल वोट्स थे 3,76,558, जो कि 32.71% बनते हैं। टोटल टर्नआउट रहा था 69.36% और इनका विनिंग मार्जिन था 49,656 वोट्स। और नेक्स्ट लोकसभा सीट है संगरूर, तो संगरूर के विनर थे गुरमीत सिंह मीत हयर, जिनकी पॉलिटिकल पार्टी थी आम आदमी पार्टी। इनको टोटल वोट्स पोल हुए थे 3,64,085, जो कि 36.06% थे ऑफ द टोटल वोट्स पोल्ड। इस सीट पे टोटल टर्नआउट रहा था 64.63% और इनका विनिंग मार्जिन था 1,72,560 वोट्स। और नेक्स्ट लोकसभा सीट है पटियाला,
तो पटियाला के विनर थे धर्मवीर गांधी जी, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस से थे। इनको टोटल वोट्स पड़े थे 3,05,616, जो कि 26.54% थे टोटल वोट्स पोल्ड। टोटल टर्नआउट रहा था 63.93% और यहाँ का विनिंग मार्जिन था 14,831 वोट्स। तो दोस्तों ये थी पंजाब की सभी 13 लोकसभा सीट्स के विनर की लिस्ट, उनका टर्नआउट, विनिंग मार्जिन, जो कि हमने सभी डिटेल में बताया। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें और इसी तरह की पॉलिटिक्स के रिलेटेड वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर